जी काफ़ी दिनों से मरीज जो हॉस्पिटल में आते थे, उन्हें मुझे कंप्लेंट मिला 6 महीने पहले, मैंने ज्वाइन किया है, तो वो मुझे बताते थे कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेता है वो और बहुत गलत इलाज करता है। जैसे मलेरिया का फिक्स रेट रखा था वो 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, एक इंजेक्शन के वो 200-200 रुपये लेता था। उसके पास कुछ भी मैंने पता किया कि कौन है ये क्या है, तो मुझे पता चला कि डीप मेडिकल स्टोर के आड़ में वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। कुछ दिनों पहले मुझे एक मरीज आके बोला कि सिर्फ उसे घाव हुआ था और उसने 30,000 रुपये लिया। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, तो इस वजह से मैंने अपने CMO सर को कंप्लेन किया कि यहाँ पे एक जो झोला छाप है वो लोगों का इलाज कर रहा है एक मेडिकल स्टोर के आड़ में। तो 2 महीने से मैं कंप्लेन कर रहा था, तो सर बोल रहे थे कि होगा कंप्लेन होगा, तो नहीं हो पा रहा था। फिर 3 दिन पहले मैंने एक PMO इंडिया कलेक्टर सर, CMO सर को मैंने एक रिटर्न कंप्लेन किया, तो 2 दिन बाद ही उसके पास जो नर्सिंग होम एक्ट के टीम आ गए कार्रवाई करने के लिए। तो कार्रवाई के दौरान मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दिया, बोला कि तेरा अर्थी यहीं से उठाऊंगा, तो यहाँ से ज़िंदा कैसे बच के जाएगा, ये सब भी बोला। मैं चाहता था कि मेरे गाँव वालों के जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, इस वजह से मैंने ये सब किया था। और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य भवन मर्दापाल जो सबसे कठिनतम एरिया वहाँ का अकेला चिकित्सा अधिकारी हूँ, और फिर भी उसके मेरे खिलाफ मैंने रिपोर्ट करवाया पुलिस में, FIR करवाया, तो सिर्फ अभी तक मेरा रिसिप्ट मुझे मिला है, FIR दर्ज उसके खिलाफ़ नहीं हो पाया है।